वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज क्लासेस में हम मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के लेटेस्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 2023 में मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस से किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे उसको देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा, अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में डाउट है कि सर एग्जाम को बहुत कम टाइम रह गया है, सिलेबस बहुत बड़ा है हमारा। हालांकि मैंने पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको फोल्डर में मैनेज करके प्रोवाइड करवा दिया है और अभी भी मैं आपके साथ में एग्जाम तक जुड़ा रहूंगा, क्योंकि लाइव क्लासेस में आपको जो है चीजें आपके अपडेट करता रहूंगा और आपको नए नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता रहूंगा। अब बच्चे, अब क्वेश्चन ये कि सर प्रैक्टिस कहां से करें? जो आप पीडीएफ पढ़ा रहे हैं वो इनफ है? जेके ठकराल से पढ़े, कहां से पढ़े? तो जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे हैं और वो क्वेश्चन आपके लिए इनफ रहने वाले हैं, लेकिन प्रैक्टिस की नीड तो रहती ही है मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में। तो प्रैक्टिस कहां से करें जिससे कि हमारा 100% पेपर हो जाए, मतलब पेपर के अंदर क्वेश्चन सेम उठ करके आ जाए। तो सर कोई ऐसा आप स्टडी मटेरियल बता दीजिए जिससे कि एग्जाम के अंदर एक एक क्वेश्चन सेम उठ करके आ जाए, इवन डिजिट भी चेंज ना हो और 100% पेपर वहां से आ जाए। अगर आप मुझसे ऐसा कुछ पूछ रहे हो तो मैं आपको सिंपल सा इसका एक ही आंसर करता हूं बच्चे, शिवदास का 10 ईयर। अगर वो कंप्लीट 10 ईयर अगर आप कर लेते हैं प्रैक्टिस में तो आपको सेम क्वेश्चन सेम डिजिट के साथ में आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, 100% पेपर आपका वहीं से आएगा। तो आप मेरी बात का मतलब समझ चुके हैं सही बच्चे, कि आपको अपने एग्जाम्स के लिए अब प्रैक्टिस कहां से करनी है, रात दिन किसके लिए लग जाना है? आपको अपने एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ अब आपको शिवदास का 10 ईयर है उसको फॉलो करना है, क्लियर है? और मैं अपने प्रैक्टिस में भी आपको शिवदास का 10 ईयर ही करवा रहा हूं। बच्चा पूछ रहा है सर एग्जाम प्रिपरेशन क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? बच्चे आज से, जैसे कि आपके सामने एग्जाम प्रिपरेशन है, मैं यूनिट वाइज पढ़ाऊंगा, एकदम से मैं हर किसी में से क्वेश्चन लूंगा तो दिमाग में पूरी खिचड़ी बन जाएगी आपके, क्योंकि अभी आप समझ रहे हो। तो पहले मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस ले लिया मैंने यहां पर, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में आपको यहां पर करवा रहा हूं। तो देखो बच्चे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, ये मैं दिसंबर 2023 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, एग्जाम डेट और प्रूफ के साथ में है ये, इसलिए डेट मैंने मेंशन करा है 2023, मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है जरा समझते हैं। ये आपका 18 नंबर का एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। अब 18 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन नहीं होता है, उसके अंदर 3 से 4 क्वेश्चन अटैच होते हैं, जैसे लाइक अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का 18 नंबर का, हर एक यूनिट का आपका 18 नंबर फॉलो करेगा, 18 मार्क्स का आया। तो इसमें 4 क्वेश्चन दिया था, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट। इस 4 पार्टों में से आपको कोई भी 3 पार्ट आपको अटेम्प्ट कर लेना है, इसमें से 6-6 मार्क्स का ईच पार्ट है, तो आपको कोई एक छोड़ सकते हो, बाकी 3 जो आपको लगे आपके लिए कंफर्टेबल आप इजिली कर सकते हो, उस 3 को आप अटेम्प्ट कीजिए। तो आइए 2023 के इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए पार्ट लेते हैं। इफ मनी इज द वर्थ रेट 4% इफेक्टिव, बेसिकली आपसे यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 4% आपसे कह रहे हैं। वट इज द इक्वल पेमेंट ऑफ एक्स एट द एंड ऑफ द 1 ईयर एंड द 3 ईयर्स विल इक्वली रिप्लेस द ऑब्लिगेशन ऑफ द 20,000 rupees ड्यू इन 3 ईयर्स विदाउट इंटरेस्ट एंड द 40,000 rupees विद इंटरेस्ट फ्रॉम द टूडे एट अ 4% कंपाउंडेड सेमी एनुअली ड्यू इन 6 ईयर्स। तो बच्चे ये कह रहा है कि कोई एक पैसा है जो कि 3 साल के बाद 20,000 rupees ड्यू हो जाता है, और वही पैसा 6 साल के बाद आपका जो है 40,000 rupees ड्यू हो जाता है। एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर एग्जाम के बाद हम 10 ईयर को ले तो लेंगे, लेकिन एग्जाम के बाद 10 ईयर का क्या करेंगे, क्योंकि बुक स्टोर वाला इसको वापस खरीदता नहीं है 10 ईयर, क्योंकि अपडेट हो जाता है। तो 150 रुपए का आपका 10 ईयर आता है, अगर आप उसको ले लेते हो तो आपके लिए ये रिस्क है। बच्चा कह रहा है कि सर 150 रुपए का 10 ईयर है, अगर मैं उसको लेता हूं तो मेरे लिए ये रिस्क है कि एग्जाम का उसको मैं बेचूंगा कहां पर।
इसका क्या सॉल्यूशन है, इसको वो कमेंट कर रहा है बार बार। तो बच्चे इसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास में, आप 2 से 3 दिन जो है गुरुद्वारे में जाकर के लंगर खा लेना, तो आपका जो 150 का आपको लगेगा या आपको नुकसान हुआ वो कंपनसेट हो जाएगा आपका। 3 से 4 दिन तक आप ऐसे अपना गुजारा बाहर कर लीजिए तो आपका 150 का नुकसान है वो कवर हो जाएगा। हाँ जी देखिए बच्चे, इफ मनी इज द वर्थ 4% इफेक्टिव, व्हाट इज द इक्वल पेमेंट। क्वेश्चन का मतलब समझे क्या है कि एक पैसा है आपका जो कि एक साल के बाद, सॉरी कह रहा है कि एक पैसा जो है आपका 3 इयर्स में 3 साल बाद 20,000 रुपए क्वेश्चन क्या है कि कोई पैसा आपका जो है 3 साल बाद 20,000 रुपए आपको लौटाने हैं और 6 साल के बाद आपको एक पैसा 40,000 के रूप में आपको किसी को वापस करने हैं, जो कि आपका जब आप इतने समय के बाद किसी के पैसे आपके ऊपर चढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है आपने लोन ले रखा है तो ब्याज भी आपका बनता हुआ जाकर के 20,000 रुपए आपका बना, ब्याज लगता हुआ आपका पैसा 40,000 रुपए जाकर के 6 साल में बनेगा। आप चाहते हैं कि भैया 2 बार पैसा आप देकर के कहानी खत्म करें, लौटा करके 2 बार में आप कहानी खत्म कर दें, और आप ये भी चाहते हैं कि दोनों बार आपको कभी कम ज्यादा नहीं, दोनों बार आप बराबर बराबर ही अमाउंट लौटाएं और आपको जो है छुटकारा मिल जाए। तो यहां पर आपसे ये है, एक बार आप चाहते हैं कि 1 साल के आखिरी में लौटाएं और एक चाहते हैं कि आप 3 साल के एंड में आप उस पैसे को रिटर्न करें और दोनों बार आपका सेम पैसा आप लौटाएं, और जो ये पैसा जो कि आपका 3 साल बाद 20,000 रुपए और 6 साल बाद 40,000 रुपए बन रहा था, ये कर्जा आपका खत्म हो जाए ऐसे दे देने से। तो सबसे पहले मैं यहां पर एक चीज फाइंड आउट कर लेता हूं कि अगर 3 साल में 20,000 बन रहा है और 6 साल में 40,000 बन रहा है तो इसमें इंटरेस्ट तो लगकर के 20,000 बन रहा है या 40,000 बन रहा है। तो मैं देखता हूं कि जो 3 साल में एक पैसा आपका 20,000 बन रहा है विद इंटरेस्ट लगकर के, इंटरेस्ट क्या लग रहा है आपका? ये तो आपसे बोल रहा है कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपके पास में, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 4% है, लेकिन आपसे वो क्या कर रहे हैं सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब आपको एम कैलकुलेट करना पड़ेगा। एम क्या होता है? 12 डिवाइडेड बाय 1 साल में कितनी बार आप पेमेंट कर रहे हैं, तो 1 साल में 2 बार पेमेंट कर रहे हैं। एम इक्वल टू सॉरी 12 एम मींस क्या होगा, यहां पे नीचे क्या आएगा, 12 ऑलवेज फिक्स है कि कितने टाइम ड्यूरेशन में आप पे कर रहे हैं, 6 मंथ में, तो एम इक्वल टू 2 हो गया। एंड आई इक्वल टू क्या निकालेंगे आप, आई कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपके पास में 0.04 हो गया एंड डिवाइडेड बाय 2 एंड आई इक्वल्स टू आपके पास में 0.02 हो गया। ये ऑलरेडी मैं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में डिस्कस कर चुका हूं, मैं यहाँ पर पेपर डिस्कस कर रहा हूं तो डिटेल में पूरी बात बताऊंगा नहीं कि कैसे क्या होता है, उसके लिए मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस की सारी क्लासेस आपको देखनी होगी। तो ये आपके पास में आई हो गया क्योंकि आप 4% तो साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता तो वो साल का होता है, और जब 6 महीने में की बात कर दे तो आप पूरा साल का ब्याज क्यों देंगे, 6 महीने का ब्याज देंगे तो 4 का 2% देंगे, 0.02 देंगे, ये कैसे फाइंड आउट होता है? आपको क्या करना है, आपको अपना एम कैलकुलेट करना है। एम मींस क्या होता है, 1 साल में कितनी बारी इंटरेस्ट लग रहा है, ये कैसे फाइंड आउट करोगे आप? 1 साल मतलब 12 महीने और हर कितने महीने बाद आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, 6 महीने बाद, तो 1 साल में 2 बार इंटरेस्ट लग रहा है, तो इसलिए आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी 2 से डिवाइड होकर आपको क्या आ गया, यहां पर आई आ गया। अब मैं यहां पर प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं, वैसे प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एस ब्रैकेट 1 प्लस i रेज़ टू पावर -n प्रेजेंट वैल्यू की, जिससे कि आप इंटरेस्ट एक्सक्लूड करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें।
तो 20,000 में इंटरेस्ट है, तो अगर मैं इसमें से इंटरेस्ट एक्सक्लूड करता हूं, लाइक 20,000, ये तो अमाउंट है, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, 20,000 ब्रैकेट 1 प्लस आई, आई क्या है 0.02 और माइनस एन, एन क्या है 3 साल का है, तो मैं देख रहा हूं कि अगर इसमें ब्याज नहीं होता, सिर्फ प्रिंसिपल प्रिंसिपल मेरा कितना लोन था, ये मैं यहां पे ये देख रहा हूं, प्रेजेंट वैल्यू 20,000 इंटू 1 अपॉन 1.02 रेज टू पावर 2 हो गया, क्लियर है बच्चे, एंड प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू 20,000 अपॉन, कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे आप, 1.02 into 1.0404 इक्वल्स टू 20,000 डिवाइडेड बाय 1.0404, 20,000 डिवाइडेड बाय 1.0404, तो सॉल्व करेंगे कितना है आपका 19223.37, क्लियर है बच्चे, और सॉरी एक चीज गड़बड़ करी है हमने, एक चीज गड़बड़ करी है हमने, क्या गड़बड़ कर रहे हैं पता है आपको, एन ये पैसा 3 साल का है ना, तो कितनी मारी आएगा, तो एन इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास में एम टी, तो 1 साल में 2 बार ही आ रहा है, 3 साल में कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा, तो आप प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास में 20,000 रुपये आपका बन गया था 6 बार इंटरेस्ट देने के बाद, ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू 20,000, अपॉन 1.02 रेज टू पावर 6 एंड प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू 20,000, 10 ईयर में कुछ के आंसर्स भी गलत हैं, इसलिए मैं यहां पर कुछ ठीक करके दे रहा हूं, 1.02 इंटू 6 है ना, तो कैलकुलेटर में प्रेस करते जाएंगे, मैंने सिखा रखा शॉर्टकट से कैसे करेंगे, 1.126 एंड प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू 20,000 डिवाइडेड बाय 1.126, 1.7761.98, ठीक है बच्चे, ये बन गया प्रेजेंट वैल्यू। इसी तरीके से आप प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे किसका, 40,000 का, तो आपके पास सम ऑफ अमाउंट कितना हो गया 40,000, आई आपका वही चार्ज होगा 0.02, एन यहां पर एन इक्वल्स टू एम टी, एम टी क्या आपके पास में, एम क्या आपके पास है 2 and 2 6 12, और इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे अगर आप, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला 40,000 ब्रैकेट 1 प्लस 0.02 रेज टू पावर माइनस 12 एंड प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू 40,000 अपॉन, मैं प्रेजेंट वैल्यू क्यों निकाल रहा हूं भी आपको आगे पता लगेगा क्यों, क्योंकि अगर मैं जो मेरा लोन ऑफ अमाउंट है एक 20,000 रुपए का पे करना है 3 साल बाद, एक 40,000 पे करना है मुझे 6 साल बाद, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता तो इसमें से इंटरेस्ट हट जाएगा और ये पता लगेगा कि मैंने उधार कितना लिया था, पहली बात क्लियर है, पहले ही पता लगा लूं कि मैंने उधार कितना लिया था, मैं ये पता कर रहा हूं 40,000 1.02 रेज टू पावर 12 एंड प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू 40,000 अपॉन 1.02 इंटू 12 1.26824, कैलकुलेटर कोर्स में जाइए, बता रखा है मैंने कि अपने इस नॉर्मल से कैलकुलेटर से आप किस तरीके से पावर को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में क्या है 1.02 इंटू और इक्वल्स को प्रेस करते रहो जब तक यहां पे 12 है, यहां पे 13 लिखा हुआ नहीं आ जाए तब तक इक्वल प्रेस करते रहो, एंड प्रेजेंट वैल्यू क्या है आपके पास में, प्रेजेंट वैल्यू आपके पास में है 40,000 डिवाइडेड बाय 1.26824 31539.77, क्लियर है बच्चे, ये क्या आपका प्रेजेंट वैल्यू है। अब देखो दोनों, एक का तो विदाउट इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, दूसरे का भी कर लिया, तो कुल मैंने लोन कितना ले रखा था, तो एक मैंने 1.7761.98 और एक लोन था मेरा 31539
0.77, ये मेरा लोन है। टोटल लोन कितना हो गया 17761.98, 17761.98 प्लस 31539.77, तो टोटल लोन मेरा कितना हो गया 49301.75, ये मेरा लोन हो गया। क्लियर है? अगर मैं उसको XX दो पेमेंट करता हूं इक्वल, दोनों ही पेमेंट इक्वल करता हूं, अगर मैं दोनों पेमेंट उसको इक्वल करता हूं, जरा समझिएगा, तो फर्स्ट पेमेंट मेरा जा रहा है आफ्टर वन ईयर एक्स रुपीस, एंड सेकंड पेमेंट, मेरा जो सेकंड पेमेंट है वो जा रहा है बच्चे आफ्टर थ्री ईयर, और मैंने बता रखा है दोनों बार मैं बराबर ही अमाउंट पे करके अपना कर्जा खत्म कर रहा हूं। तो भैया ये भी एक साल बाद जा रहा है, ये भी तीन साल बाद जा रहा है, दोनों में ब्याज तो मेरा जाएगा जाएगा, तो इसमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं। अगर मैं ये पेमेंट ये कर्जा खत्म कर रहा हूं, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा फर्स्ट का, तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, तो मेरे पास में एक्स ब्रैकेट वन प्लस 0.02 ही रहेगा, एक साल बाद जा रहा है तो यहां पर क्या यूज करेंगे आप, माइनस का टू। क्लियर है बच्चे? क्योंकि सिक्स मंथ है ना यहां पर भी, तो मैं यहां पर बता रहा हूं आपका सम ऑफ अमाउंट इक्वल्स टू एक्स रुपीज, I equals to 0.02, N equals to MT, M2, NT1, 2, and present value equals to sum of amount, bracket 1 plus I raised to power minus N, and present value equals to S. S क्या हमारे पास में? X, 1.1 plus I. 0.1.02 raised to power minus 2 and present value equals to x upon 1.02 raised to power 2 and present value equals to, जब कैलकुलेटर है, जब पास में है सोना तो काय को है रोना, है घबराते क्यों, 1.02 into 1.0404 एंड प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू दिस, ठीक है, एक का ही आया। एंड सेकेंड का प्रेजेंट वैल्यू क्या है, एस इक्वल्स टू, वहां भी आप एक्स रुपीज ही पे कर रहे हो सम ऑफ अमाउंट, एंड आई आप 0.02 के अकॉर्डिंग ही पे करेंगे, और आपके पास में एन इक्वल्स टू एम टी, एंड एम में आपका टू एंड टी आफ्टर थ्री ईयर, तो सिक्स हो गया। तो प्रेजेंट वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो एक्स ब्रैकेट वन प्लस 0.02 रेज टू पावर माइनस सिक्स, and present value equals to x upon 1.02 raised to power 6 and present value equals to x upon 1.02 into 1.1261। अब देख रहा हूं कि मैं दो पेमेंट कर रहा हूं, एक साल बाद तीन साल बाद अपना कर्जा खत्म कर रहा हूं, तो मैंने एक x और x के दो पेमेंट करी, मैंने जो मैंने एक्सेस के दो पेमेंट करी, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या निकल गया है, इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या निकल करके आया, ये उतना ही होगा जितना कि मैंने लोन ले रखा था, तो मैंने लोन कितना लिया होता मैं यहां पे निकाल रहा हूं, तो एक मेरे पास में लोन कितना ले रखा है, मैं लोन ले रखा है एक्स अपॉन 1.04 एंड 04 प्लस एक्स अपॉन 1.1261, इतना लोन ले रखा है, और मैंने लोन कितना ले रखा है, इतना ही लोन ले रखा था, तो ये मेरा इसी के तो इक्वल आएगा, उसके पर दोनों के परसेंट वैल्यू के इक्वल 49301.75, ठीक है, दस वन। अब आप यहां पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में 1.1261 एक्स प्लस 1.0404 एक्स अपॉन, मल्टीप्लाई करो इनको 1.04 इंटू 1.1261 इंटू करने में दिक्कत क्या, आपको थोड़ी सोचो कैसे गुणा करेंगे, सिंपल सा कैलकुलेशन नहीं आता क्या आपको, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आप गुणा कैसे करेंगे, वो तो कैलकुलेट करेगा ना, उस कैलकुलेटर को टेंशन लेने दो, आप क्यों टेंशन लेते हो इसकी,
एंड इक्वल्स टू 49301.75। सॉल्व करेंगे आप 1.1261 प्लस 1.0404 2.1665x अपॉन 1.17159 इक्वल्स टू 49301.75 एंड 2.1665x इक्वल्स टू 49301.75 इंटू 1.17159 एंड 2.1665x इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे इसको 49301.75 इंटू 1.17159 5.7761.43 and x equals to 5.7761.43 upon 21665 and x equals to solve karte hain divided by 2.1665 kitna hai aapka 2.6661.17 तो ये आपका जो है दो इक्वल पेमेंट आप एक्स का कर रहे हैं, आप ये पेमेंट यहां पर आप करने जा रहे हैं। अरे भाई वॉइस अब आ रही है ना, नहीं अभी उसमें और डलेंगी क्लासेस, अभी उसमें क्लासेस और डलेंगी, ठीक है। उसको मैं दो उसमें 5-7 क्लासेस और धीरे करके मैं उसमें डाल दूंगा, वो कंप्लीट नहीं है, बाकी सब कंप्लीट है। मैथमेटिक्स और फाइनेंस पूरा कंप्लीट कर दिया है, मैट्रिक्स इंटरमीडिएट पूरा कंप्लीट है, कैलकुलस पूरा कंप्लीट है, सब कंप्लीट है, बस लीनियर प्रोग्रामिंग के कुछ लेक्चर डलने हैं आपके। ये समझ में आ गया आपको बच्चे? अब देखो लाइव क्लासेस में आकर के मैं दोबारा से जो पढ़ाया है अभी मैंने उसको दोबारा पढ़ाऊं उसका कोई फायदा नहीं है ना, आपको बताओ क्या एक्स्ट्रा मिल जाएगा उसमें? मुझे तो देखो आना है और आपको टाइम देना है और मुझे यहां पर पढ़ाना है, एक बात तो कन्फर्म है। अब चाहे मुझसे काखागा सीख लो चाहे मुझसे गणित सीख लो, मेरे को तो उतनी एनर्जी जानी है, उतना टाइम लगना है। तो ऐसा नहीं है कि काम चोरी की वजह से आपको जो है फोल्डर अवेलेबल करवा दिया है, नहीं, वो लेटेस्ट क्लास ही है, उसमें भी प्रीवियस क्वेश्चंस किए हुए हैं, क्लासेस चलते रहते हैं। लेकिन ये है कि आपको 3 महीने में आपके पास पे 100 लेक्चर के आसपास कैसे आप लोग मैनेज करेंगे, तो कुछ क्लासेस रिकॉर्ड करके डालनी पड़ती है। अब वो तो तब आपके माइंड में सवाल आना चाहिए कि हाँ सर आपने रिकॉर्ड करके डाल दिया और आप फ्री हो गए और आपने मुझसे फीस ले ली। बच्चे मुझे तो मैं यहां पर आकर के जो अभी 2023 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, मैं तो आपको वो बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझा सकता हूं जो कि ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवाया गया है, मेरी एनर्जी तो उतनी जानी है। लेकिन आपको फायदा किससे होगा? जब तक आप लेटेस्ट क्वेश्चंस नहीं करेंगे, 10 ईयर नहीं करेंगे, तब तक आपको एग्जाम में बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ये क्वेश्चन तभी कर पाएंगे तब उसमें कोर्स होगा। अब दोनों को लाइव क्लासेस में कवर करना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्लियर है? तो इसलिए आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए सेशन में मैं लेकर आया हूं। उम्मीद है कि आप इस बात को अपने ग्रुप में भी एक पॉजिटिव तरीके से बच्चों को समझाएंगे और समझेंगे। सीधी सी बात है, मेरा पर्सनल बेनिफिट जब होता जब मैं अपने घर बैठ जाता, लेकिन नहीं, मैं आपको वही समय मेरे को उस कोर्स पे रिपीट करने में था, वही समय मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाने में। तो जो आपके लिए बेटर होगा और बेटर हो सकता है वो करूंगा मैं, जो चीज ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी उसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। क्लियर है बच्चे? अब एक ये क्वेश्चन है, इसमें बहुत कुछ सीखोगे आप। इसमें ना इस क्वेश्चन को आप जब करने के लिए बैठोगे बच्चे, तो मेन चीज क्या, ये मैंने सिखा रखा आपको वैसे कोर्स में है, लेकिन इसमें मेन चीज आपको ना लॉग टेबल निकाल, लॉग की वैल्यू जब आप 0 समथिंग में निकालोगे वहां प्रॉब्लम आएगी, और एक एंटी लॉग, दो चीजों में फंसोगे। पहले आप ट्राई करना इसको, फिर मैं अब तो ऐसा नहीं कि मैं 2 दिन में क्लास लूं, मेरे को तो क्वेश्चन डिस्कस करना है, मैं डेली बेसिस पे भी आकर के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, डेली एक क्वेश्चन डेली रेगुलर कर रहा हूं क्लास आपके में। जाओ संडे का छुट्टी है, मंडे भी आके एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ट्यूजडे भी डिस्कस करूंगा, डेली क्लास चलाऊंगा एग्जाम तक। और बताओ क्लियर है? समझ में आया बच्चे?
मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट क्लास में।